राजस्थान के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा साहब, हमारे प्रभारी मंत्री बहेंद्र ओला जी, रामेश डूडी जी, विधायकगण कृष्ण पूनिया जी, अनिल शर्मा जी, मनोज मेघवाल जी, खानुकारी बुधवाली, मोहनलाल पुजारी जी, संजय कसवा जी, प्रधान साहब, प्रियंका भानो चेयरमैन नगर पालिका तरानगर, इंद्राज खिचड़ जी, पूछाराम जी गोजारा, राजेंद्र सारण जी, मदन जी पांड्या, भागीरथ जी, अमित बुढ़ानिया, रजिया गहलोत, पायल सैनी और जसवंत स्वामी जी, रणवीर जाजड़िया जी और तमाम उपस्थित नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूँ जब से आया हूँ तब से आप जिस रूप में बैठे हुए हैं। बुढ़ानिया जी ने ठीक कहा, अगर कोई विधायक आप जो मीटिंग रखी है बुढ़ानिया जी ने और तमाम गांवों से आपको यहाँ बुलाया, हर गांव का प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ऐसी मीटिंग करने का एक अलग मैसेज होता है। और कोई नेता आते हैं दूर दूर से, बार बार जाना होता नहीं है, अपनी बात कह देता है वो, तो कम से कम एक संदेश लेके जाते हैं आप लोग, और संदेश के माध्यम से गांव का गरीब तक बात पहुंचती है कि वास्तव में मीटिंग में गए थे तो वहाँ क्यों गए थे, महंगाई राहत शिविर का क्या फ़ायदा है, प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है उसमें किस प्रकार से हम लोग लाभान्वित हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगा रे बुढ़ानिया जी ने कहा कि ये हर गांव के लोग आए हैं और पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। सब बातें आपको मेरे पूर्व भक्तों ने कही, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा भी फर्ज बनता है कि ठीक कहा गया, मैं तीसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अंतिम सांस तक कैसे आपकी सेवा करूँ। मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, पद मुझे बहुत मिल गए, इंदिरा गांधी जी ने मुझे मंत्री बना दिया अपने ज़माने के अंदर, लगातार मैं मंत्री रहा या प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा या किसी का महामंत्री रहा या मैं आपके बीच में खड़ा हूँ मुख्यमंत्री प्रथम सेवक के रूप में, पर मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि जन कल्याण के कामों को कैसे अंजाम दिया जाए, किस प्रकार से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजना जल जीवन मिशन हो या नहरी तंत्र हो सिंचाई के लिए, बिजली का उत्पादन हो, हालांकि बिजली का भी कुछ संकट भी है, कोयले का संकट बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ से कोयला आ नहीं रहा है, चिंता लगी हुई अगले रबी की फसल आएगी, खरीफ की आएगी तो बिजली चाहिए किसानों को, हम लोग अभी से लगे हुए हैं। और सड़कों की बात है, शानदार सड़कें राजस्थान बन रही है, मेगा हाईवेज, स्टेट हाईवेज, विलेज मेजर रोड्स, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, नेशनल हाईवेज, आज राजस्थान सड़कों के मामले में भी देश में गुजरात के मुकाबले आगे बढ़ चुका है। कोई ज़माना था गुजरात के अंदर सड़कें अच्छी होती थी, कहावत बन गई थी कि जब गुजरात से आप आओ गाड़ी में बैठ के सोते सोते अगर नींद खुल जाए तो समझ लो राजस्थान आ गया, इतनी बुरी हालात थे। आज उल्टा मामला हो गया, सड़कें शानदार राजस्थान की हैं, सारे काम देना है आपको बुढ़ानिया साहब ने, बाकी रखा ही नहीं। और आप सोचिएगा कि जो मैंने वादा किया था, ये तो आप मानोगे कि मैं वादे पे खरा उतरा हूँ कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। अब इसकी इतनी इसलिए हिम्मत हो रही है बुढ़ानिया साहब की, अभी और मांगे जारी रखे हुए हैं। अरे इससे तो अच्छा होता आप जब मैंने कहा मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा तो आपको जिला तारनगर जिला मांग लेना चाहिए था उस वक्त में। आप चूक गए उसको, अरे मैंने बाजार में ही बात कही भाई, चूक गए, मैंने तो वादा कर रखा था मांगोगे मिलेगा, तो
तो जो जी ने मांगा तो मैंने देने का प्रयास किया, 19 जिले बन गए। तो आप सोच सकते हो कि सरकार ने सुशासन देने में कमी नहीं रखी। देखिए, और एक के बाद एक कॉलेज हो, तहसील हो, उपतहसील हो, SDO ऑफिस हो, नगर पालिकाएँ हो, सड़कें हो, आयुर्वेद कॉलेज हो, कृषि कॉलेज हो। बताइए, कृषि कॉलेज का मेरे पास आंकड़े थे अभी, आपको आश्चर्य होगा कि 75 साल में खुले 250 कॉलेज राजस्थान के अंदर, और मैंने 5 साल में खोल दिए 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए राजस्थान में। कृषि कॉलेज जो है 75 साल में खुले है, 12 कॉलेज खुले राजस्थान में, मैंने इन 5 साल में 42 कृषि कॉलेज खोल दिए, 42 कृषि कॉलेज। बताइए आप, अगर आंकड़े देखें अपन पूरे 5 साल के, पिछले 5 साल में आपको आश्चर्य होगा। एक आधी बार मैंने पढ़ भी थे असेंबली के अंदर। इतने मैं कहना चाहूँगा कि चौमुखी विकास जिसको कहते हैं, वो विकास राजस्थान में हो रहा है, हुआ है। ये गौ माता की बात करते हैं लोग, हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? चुनाव आएंगे तो जोर शोर से ढोल पीटेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे वोट लेने के लिए। कृपा करके, वक्त बदल गया है, देश हित में क्या है, प्रदेश हित में क्या है, वो आपको देखना है। विकास कौन करवा सकता है, योजना कौन बना सकता है, महंगाई कम करने के लिए कौन अभियान चला सकता है, आपको इन बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी तो आज जो चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, आपको मालूम है एक तरफा पैसा इकट्ठा हो रहा है बीजेपी के बारे में। तमाम पार्टियों को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है, इनकम टैक्स की धमकी, ED की धमकी, CBI की धमकी। इसका मतलब क्या हुआ है? अगर कोई खिलाड़ी है मैदान में, दोनों टीमें जो है, अगर दोनों के साथ में इक्वल मैदान नहीं होगा सुविधा वाला, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये टीम जीत गई है? मैदान तो इक्वल होना चाहिए दोनों खिलाड़ियों का। ये एक टीम के साथ में एक पार्टी राज लाना चाहते देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रशिया में चाइना ऐसा ही है, वहां पर एक पार्टी का राज है, चुनाव का नाटक होता खाली। हिंदुस्तान में माई बाप आप लोग बैठे हुए हो, ये गांधी की देन है, पंडित नेहरू की देन है, सरदार पटेल की देन है, मौलाना आज़ाद की देन है, अंबेडकर की देन है। मान सम्मान होता है गरीब से गरीब आदमी का। हम लोग कितने बड़े बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो, विधायक बनो, या भले ही सरपंच बनो, बुजुर्गों के पाँव के हाथ लगाने पड़ते हैं, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, झुक के प्रणाम करना पड़ता है, ये मान सम्मान मिलता है गरीब आदमी को। ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमने तो हर चीज़ का ध्यान रखा है राजस्थान के अंदर। 10 योजना तो आपके सामने हैं, इतने लोग खुश थे, मुझे भी बुजुर्ग लोग मिले, उनके चेहरे पे खुशियाँ थी। जो जिस प्रकार 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं बताइए आप, 25 लाख का बीमा आज मुझे मिला एक रावत सर के अंदर, उसका पूरी खोपड़ी खुल गई थी, पड़ गया पत्थर ऊपर, मैंने खुद ने बाल हटा के देखी, उसकी आधा खोपड़ी खुली हुई थी, और जो उसने इलाज करवाया 8.5 लाख रुपये खर्चा था, 1 रुपया उसका नहीं लगा कल्पना के लिए, 1 रुपया उसका खर्च नहीं हुआ। उसके पास में एक आदमी खड़ा था, वो के 2.5 लाख का मेरा इलाज हुआ गंगानगर के अंदर, कोई मेरा खर्चा नहीं हुआ। बादल में भी एक आदमी मिला, वो ये बात कह रहा था। तो कहने का मतलब है, 25 लाख का बीमा, भगवान करे दुर्घटना नहीं हो, दुर्घटना का बीमा 7 के अंदर है, उसमें 5 लाख का बीमा है प्रति व्यक्ति, 2 तक एक परिवार के 10 लाख तक का बीमा हमने कर दिया। 500 का गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, इतना महंगाई है, महंगाई की राहत मिले लोगों को। तो जो एक ही बताए कि बिजली 100 यूनिट है या 2000 यूनिट है किसानों के लिए, शहरी रोजगार योजना हो, एक से बढ़ के योजनाएँ आपके सामने रखी गई है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। राशन का सामान, दालें हैं, तेल है, मिर्च मसाले हैं, सबको पैकेट दिए जाएंगे, 80 लाख लोगों को दिए जाएंगे जो आपके ये जुड़े हुए थे योजना के अंदर, गैस सिलेंडर वाली योजना के अंदर भी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको, कामों की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमने 1,35,00,000 लोगों को, महिलाएं मुख्य है परिवार की, उसके अंदर चिरंजीवी योजना 25 लाख वाले में, उसके अंदर हमने महिला को मुखिया बनाया परिवार का। उन सबको जो है मैंने घोषणा कर रखी है, क्योंकि वो टेलीफोन एक साथ मोबाइल मोल सप्लाई नहीं हो पा रही है, 1,35,00,000 मोबाइल फोन देना, स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, 3 साल इंटरनेट सेवाएं फ्री, 40 लाख जो है रक्षाबंधन पे हमने तय किया है, एक साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो 40 लाख मोबाइल फोन स्मार्टफोन रक्षाबंधन पे 40 लाख स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ आपके सामने। इस प्रकार से महिलाओं के लिए आधा किराया कर दिया रोडवेज के अंदर, कितना आपने जो कहा, मैं समझता हूँ कि गौशाला की बात करते हैं, हमने 9 महीने का हम लोग गौशालाओं को अनुदान देने लगे, 9 महीने का, नंदीशालाओं को 12 महीने का। ये गाय माता की बात करते हैं, अरे भाई हम गाय को नहीं मानते हैं क्या, हम हिंदू नहीं है क्या? इस प्रकार के जो राहुल गांधी ने यात्रा की थी भारत जोड़ो की, तो 4 मुद्दे उठाए उन्होंने, एक महंगाई का, आप देख रहे हो महंगाई की शिविर लग रहे, बजट का आधा मैंने बनाया राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में, 4 मुद्दे थे, महंगाई का था नंबर 1, बेरोजगारी का था, नौजवानों के लिए नौकरी मिलनी चाहिए, प्राइवेट मिले या सरकारी मिले उनको, हम लोग नौकरी दे रहे राजस्थान में, 1,25,00,000 नौकरी लग चुकी है, उसके आसपास ही नौकरियों प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, 1,00,000 मैंने और घोषणा कर रखी है, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं नौकरी मिले। इस प्रकार से मेरा मानना है कि हमने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। महंगाई की बात थी उनके अभियान में, बेरोजगारी की बात थी, सब हिंदुस्तानी लोग भाई भाई की तरह रहे, हिंसा नहीं हो देश के अंदर, वो बात थी, और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़े, ये आर्थिक नीतियों की बात है देश की, जिसके तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया प्रधानमंत्री मोदी जी का, देश में अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब रह रहा है, ऊपर नहीं बढ़ पा रहा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ पा रहा है, नीति बदलो आप जिससे कि गरीब अमीर की खाई कम हो। अब बता दीजिए इसमें क्या गलत है। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि हम लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखा, कृषि बीमा, मैंने अभी बुढ़ाने साहब कह रहे थे 1,000 करोड़ रुपये मिल गया आपको 4 साल के अंदर, खाली तारनगर के अंदर मिल गया, और मुझे याद है कि एक बार तारनगर का विवाद पैदा हो गया था इंश्योरेंस का, कृषि बीमा का, तब भी मैंने खुद ने पंचायती करके आपको दोनों बीमा की रकम दिलाई थी, याद करो आप लोग, तारनगर के अंदर। इतना ध्यान हम लोग रखते हैं किसानों का भी और सब लोगों का भी। अब बीजेपी वाले जो भाषा काम लेने लग गए हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक में लगता है कि बीजेपी पूरी तरह हारी चुनाव, ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी 8 से 10 दिन तक वहीं रहेंगे, जैसे कोई काम है ही नहीं दिल्ली के अंदर। अरे प्राइम मिनिस्टर की बड़ी पोस्ट होती है, देश विदेश के मामले होते हैं, पूरे देश के समस्याएं होती हैं राज्यों की, हर चुनाव में मोदी जी और अमित शाह जी, जैसे कोई चुनाव जीतने को धर्म बन गया है, काम करने को धर्म नहीं लगता है, वहाँ बार बार आते हैं। लगता है कर्नाटका में जो जनता ने फैसला किया है इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही, लगता है मुझे बुखलाए बोल रहे हैं आप, बुखलाए बोल रहे हैं, कोई तो मुझे राजस्थान के नेता बता रहे हैं मैं रावण हूँ, अब बता दें मैं रावण हूँ या आपका प्रथम सेवक हूँ, ये फैसला आपको करना है। जिस प्रकार से
वो शेखावत मंत्री बोले हैं जिसने 2-2.5 लाख लोगों लूट लिया है, उनकी दोस्तों ने, उनकी टीम ने, कंपनी मना मना करके ब्याज का लालच दे करके 2-2.5 लाख लोग किसे कहते हैं। मेरे पास 3 बार ग्रुप आए थे, आंखों में आंसू आए थे, ऐसी स्थिति उनकी बन गई। बूढ़े बूढ़े लोग आए थे, 25 लाख, 5 लाख, 50 लाख डूब गए उनके, और जेल में बैठे उनके लोग सब। उनकी चिंता उनको नहीं है, केंद्रीय मंत्री को, उनको पैसा वापस कैसे दिलाएं। अगर तुम केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़ा पद होता है, उस पद पर तुम बैठे हुए हो, ऐसे ऐसे आदमी को जिसको आप बता दीजिए वो खुद मुजरिम बन गया है SOG के अंदर, जांच के अंदर। मेरे खिलाफ केस कर दिया वहाँ दिल्ली के अंदर, डिफेमेशन केस कर दिया। मैंने स्वागत किया उसका, अच्छा किया। मैंने कहा तुमने मेरे खिलाफ केस किया, उसी बहाने सरकार का ध्यान जाएगा और जुडिशरी का ध्यान जाएगा उन गरीबों की तरफ जिनके पैसे डूब गए हैं। इसको तुम केस को बनाए रखो, मुझे खुशी होगी। आज कहा है कि मुझे अशोक गहलोत को जो रावण रूपी है, पता नहीं क्या बोले हैं, उनको हमें ख़त्म करना है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, भाई हम तो रावण हैं, आप कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बिहेवियर तो करो, गरीब जनता के पैसे दिला दो, हम मान जाएंगे भाई राम के फॉलोअर आप हैं, हम तो रावण की तरह ही हैं। आप बता दीजिए, ये बोखलाट नहीं है क्या BJP की? सोनिया गांधी के बारे में वहाँ कर्नाटक में कही तो चाइना की और पाकिस्तान के एजेंट है ये। अब मुझे बताइए, जो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, सोनिया गांधी के परिवार का कोई व्यक्ति 32 साल से इस देश में कोई पद पे नहीं है, 32 साल से। राजीव गांधी अंतिम प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हो गई, 32 साल कोई पद नहीं, बिना पद वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। राहुल गांधी के पिता की हत्या हो गई, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी थी, महान नेता जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, गरीब बेटा के नारे दिए उन्होंने, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने देश के अंदर, देश को एक रखा, अखंड रखा, अंजाम भुगता, उनका सीना छलनी कर दिया गया। तो वो अंतिम सांस लिए तो सोनिया गांधी के भाव में ली है। आप बताइए, सबसे पहले सोनिया गांधी उनके पास पहुंची PM हाउस के अंदर, उस सोनिया गांधी के बारे में आप कहते हो ये पाकिस्तान के एजेंट है, चाइना के एजेंट है, इस घटिया स्तर की राजनीति शुरू होगी देश के अंदर, आप किस दिशा में ले जाना चाहते हो देश को, ये आपको हमको सोचने की बात है। काम तो होते रहेंगे, काम तो बुढ़ाने साहब ने बता दिए, कोई कमी रखी नहीं है। और अभी एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे कहा था, यहाँ पर बनियाला गए थे वो, उन्होंने कहा बनियाला और बाड़गा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2-2 कक्षों का निर्माण कराया जाए। मैंने बाबा कहा आप चिंता क्यों करते हो, क्या आप जाओ स्टेज पर ये घोषणा जरूर करना। तो बाबा की बात रखता हुआ मैं घोषणा करता हूँ 2-2 कक्ष बन जाएंगे आपके यहाँ पर। नंबर 2 ढाणी माना के उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय 8वीं को लगा के 12वीं तक करो, ढाणी माना के लिए मैं घोषणा करता हूँ, वहाँ भी आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल जाएगी। पता नहीं कितने लोग बैठे ढाणी माना के बैठे हैं, पूरा गांव है। और बुढ़ाने जी आपने एक और मांग करी है, रेया टुंडा में PhD खोलो, उसकी मैं घोषणा करता हूँ आप वो PhD भी खोल दी जाएगी। बाकी जो सिंची क्षेत्र में मैंने आपको 20,000 हेक्टेयर दे दिया आपको, वो काम तो पूरा होने दो, वो पूरा होएगा, सरकार वापस बनेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 6,000 जो बच गया वो काम भी पूरा होगा, कभी कभी चिंता मत करो, मैं इसको पूरी तरह इसका मैं डिपार्टमेंट कह करके पूरी तरह एग्जामिन करवाऊंगा किस प्रकार ये काम हो सकता है, क्योंकि पानी कम आ रहा है। अभी आपके नॉर्थ भाजपा में पानी, वहाँ भी कमी है पानी की, वही मांग कर रहे हैं, आगे से पानी आ नहीं रहा है, सब बातें देखनी पड़ती है, पर फिर भी ध्यान रखेंगे। तारनगर का जो पहले बुढ़ाने जी ने कहा है, मुझे खुशी है
नरेंद्र बुड़ानिया जब मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना था राजस्थान में कांग्रेस का, मेरी उम्र भी 34 साल थी उस वक्त में, और राजीव गांधी ने मुझे सबसे कम उम्र के आदमी को प्रदेश कांग्रेस बना दिया। पहला फैसला मेरा उपचुनाव आ गया, मोहर सिंह जी की डेथ हो गई थी चोरू के अंदर, मेंबर पार्लियामेंट की लोकसभा की, पहला बाई इलेक्शन आया। मेरे पीसी अध्यक्ष बनने के बाद में पहला फैसला मैंने किया राजनीतिक, वो किया नरेंद्र बुड़ानिया को चुनाव में टिकट दिया पार्लियामेंट का, लोकसभा का। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मेरी बात को रखा। वो दिन आज दिन करीब 40 साल हो गए होंगे, लगभग 38 साल हो गए होंगे। आज ये कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया आपने, राज्यसभा में भेजा, सोनिया जी ने इनको, अहमद पटेल दुनिया में नहीं रहे, वो भी इनके विशेष ध्यान रखते थे इनका, इन्होंने खूब काम किया, गुजरात के अंदर भी काम किया, जहाँ इनको भेजा गया, जिस पद पे भेजा गया, पार्टी की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। आज नरेंद्र बुड़ानी बहुत सीनियर नेता बन गया राजस्थान में भी, और आप लोगों के कामों की कमी रखी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में, पिछली बार तो रतनगढ़ और चूरू दो सीटें चली गई हमारी, कैसा पूनिया जी बैठी हुई यहाँ पर, पंडित जी चले गए, भवनलाल जी आपने कामयाब किया, अनिल जी को, बुड़ानिया जी, जितनी सीटें आपकी है और हमारा नौजवान साथी मेघवाल भवनलाल जी मास्टर चले गए हमारे बीच से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अगर सरकार बनानी है आपको, वो तो आपके ऊपर, देखो हम तो खाली अपील कर सकते हैं। अनुभव कहता है कि जब सरकार नहीं बदलती, बदल जाती सरकार, वापस रिपीट नहीं होती है, कई स्कीमें बंद कर देती नई सरकार, हम उनकी स्कीमों को बंद नहीं करते। रिफाइनरी बंद कर दी 55,000 बाड़मेर की, बताइए आप 5 साल बंद रखी, उसकी लागत 40,000 करोड़ की थी पहले, जब हमने उसका शिलान्यास करवाया सोनिया गांधी जी से, वीरप्पा मौली जी से, आज इसकी कीमत 70,000 करोड़ की हो गई है। आप सोचिएगा 30,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा लगेगा पब्लिक का। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास में हैं, सरकार बदलने के बाद में कितना नुकसान हुआ पब्लिक को। मैं चाहूँगा कि आप जो है इस बार वापस लोगों का मूड लग रहा है सरकार रिपीट करने का, आप सबसे मेरी अपील है, तमाम लोगों को, आप लोग तमाम उम्मीदवारों को जीता हूँ इस बार कांग्रेस के, इन्होंने खूब काम किया, जो MLA बैठे हैं कृष्णा जी हो चाहे मेघवाली, जो भी नए नए बने थे बुढ़ाया जी ने बताई दिया आपको, कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। मैं चाहूँगा कि आप इस बार भी सरकार वापस रिपीट करेंगे तो आप जो स्कीम हमने बनाई है अगली बार ये स्कीम और मजबूत होगी, नंबर वन, और नंबर दो सुशासन के लिए मैंने कहा है सन 2030 तक राजस्थान देश में नंबर वन राज्य कैसे बने, उस वक्त कौन मुख्यमंत्री होगा कौन क्या होगा अलग बात है, एक सपना देखना चाहिए राजस्थान वासियों को, हम सब मिलकर के कैसे एक टारगेट लेके चले, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, पानी में, बिजली में, सिंचाई में, सड़कों में, और सोशल सिक्योरिटी के अंदर, ये जो आपके महिलाओं को पुरुषों को देख रहे हो आप, 500 पेंशन मिल रही थी 750 मिल रही थी, मैंने घोषणा कर दी है तमाम लोगों को कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, अब 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इतने लोग खुश हैं, मिलने अभी मैं मिला कई लोगों से, बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा राजस्थान भी नंबर एक बने देश के अंदर, ये सपना राजस्थान वासियों को होना चाहिए, मेरे कहने नहीं बनने वाला है, तब बनेगा, पूरे राजस्थान के नौजवान, वहाँ के छात्र, वहाँ के आम लोग सब तय कर लेंगे कि हम अपना कर्तव्य निर्वहन करें,
अपनी ड्यूटी निभाएं, हम सब मिलकर के एक दूसरे की मदद करें। जैसे कोरोना में करी थी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सो सकता। सब आप लोगों ने मदद करी एक दूसरे की। 35 लाख लोगों मैंने ढूंढा जो गरीब थे, ठेले वाले थे। लॉकडाउन बंद हो गए, ठेले कहाँ काम करे, ठेले बिके क्या, दुकानें बंद हो गई। सबको मैंने 5 बार भेजे थे, 1,000 रुपये भेजा, 1 बार 1,500 रुपये भेजा, 5,500 भेजे मैंने प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो डेस्टिट्यूट था। वो कहने का मतलब कि पूरा कोरोना में शानदार हमने प्रबंधन किया, ऑक्सीजन से मरने नहीं दिया किसी को भी। ये तमाम आपके सहयोग से संभव हुआ। प्रदेशवासी थे, धर्मगुरु थे, एनजीओ वाले थे, एक्टिविस्ट थे, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता थे, कोई कमी नहीं आने दी आपको। मैं चाहूँगा कि राजस्थान नंबर 1 बन सकता है यहाँ पर। अब शिक्षा में, शिक्षा के केंद्र राजस्थान बन गया है। बच्चे बाहर के राज्यों से ही आने लग गए हैं, रोजगार यहाँ मिल रहा है लोगों को, अच्छा इलाज यहाँ हो रहा है, 25 लाख का बीमा यहाँ हो रहा है, संभावना अच्छी, सड़कें बन रही है। जब सब कुछ हो रहा है, घर घर नल पहुँच रहा है, बिजली का उत्पादन सोलर, सूर्य भगवान की कृपा रास्ता में ज़्यादा है देश के अंदर, सबसे अधिक सूर्य किरणें कहीं हैं देश में वो राजस्थान के अंदर है। सोलर प्लांट लग रहे राजस्थान के अंदर, भड़ला में बाप के अंदर जो प्लांट लगा है, सोलर पार्क बना है, वो पूरे एशिया का नंबर 1 पार्क है। आप सोच सकते हो, सारी संभावनाएं छिपी हुई राजस्थान के विकास में। राजस्थान नंबर 1 बने, बनेगा तब तो प्रदेशवासी संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। तो यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।